देश से जुड़े महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों को जानने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल और रोजाना की अपडेट्स के लिए प्रेस करिए बेल आइकन। जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नाम के आगे चौकीदार लगाया तो बहुत खुशी हुई। एक चौकीदार ने जब ये बात कही तो मैं भी चौकीदार, इस कैंपेन का मकसद समझ में आने लगा। लेकिन जब उसी चौकीदार ने आगे कहा कि साहब बेरोजगार हूँ इसलिए चौकीदारी कर रहा हूँ, तो इस कैंपेन की कलई खुल गई और हकीकत सामने आ गई। चुनाव जीतने के लिए मुद्दों पर पकड़ नहीं बल्कि जज्बातों पर कब्जा जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को चुनावों में इंप्लीमेंट कर रही है, तभी मुद्दे पीछे छूटते जा रहे हैं। अलबत्ता इस रिपोर्ट को लगभग दबा दिया गया कि फरवरी 2019 में बेरोजगारी दर 29 माह के अपने सर्वोच्च स्तर पर जा पहुंची। इस बात को भी आगे नहीं आने दिया गया कि किस तरीके से नौकरी मांग रहे बेरोजगारों की एक भीड़ ने एक व्यक्ति को जला दिया। इस बात पर भी चर्चाएं लगभग समाप्त हो गई हैं कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हासिल करने वाले युवा क्यों फोर्थ ग्रेड की नौकरी के लिए आवेदन भर रहे हैं। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के पहले इंडिपेंडेंस डे स्पीच को भी भुला दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा था आओ और भारत में उत्पादन करो, इलेक्ट्रिकल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक सभी चीजों को। आज प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता अपने नाम के आगे चौकीदार लिख रहे हैं, लेकिन इन स्वघोषित चौकीदारों के पास इस बात का जवाब नहीं है कि उन लोगों की मौजूदगी में इस तरीके से रोजगारों की डकैती कैसे हो। इन स्वघोषित चौकीदारों के पास इस बात का भी जवाब नहीं है कि ऑनलाइन एग्जाम्स में नकल के जरिए सवालों की चोरी कैसे हो गई। इनके पास इस बात का भी जवाब नहीं है कि एसएससी जैसी परीक्षाओं को पास कर नौकरी का सपना संजोने वाले युवाओं का सपना कैसे छीन लिया गया। जिस चौकीदार का जिक्र हम वीडियो के शुरू में कर रहे थे, उसी चौकीदार ने कहा था कि अगर कुछ भी गलत हो रहा हो तो उसका रिपोर्ट करना हमारा काम है। सो जाना चौकीदारी नहीं है, अगर इस इलाके में कुछ भी गलत होता है तो उसका जिम्मेदार मैं ही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेताओं को चौकीदारी की यह परिभाषा पता भी होनी चाहिए, उसे समझना भी चाहिए और उसे मानना भी चाहिए। आप देखते रहिए मॉलिटिक्स और सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल। फिर मिलेंगे, नमस्कार।